श्री नागेश्वर महादेव दसोड़ा समिति के द्वारा प्लास्टिक बाल क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ मंगलवार को हुआ। इस दौरान दसोड़ा मुख्य अतिथि मौजूद रहे। गब्बू सिंह ठाकुर, भूरे सिंह चौहान ने क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए खिलाड़ियों से परिचय किया। दर्जन भर से अधिक टीमों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतियोगिता का उद्घाटन मिर्जापुर और करोदिया के बीच खेला गया, जिसमें टॉस जीतकर मिर्जापुर की टीम ने फील्डिंग करने का निर्णय लिया और करोदिया की टीम ने निर्धारित 5 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 73 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मिर्जापुर की टीम ने 5 ओवर 5 विकेट के नुकसान पर 47 रन पर ही ढेर हो गई और करोदिया की टीम ही उद्घाटन मैच की विजेता बनी। धर्मपुरी से सुनील वास्कले की रिपोर्ट। आज क्रिकेट का शुभारंभ हो रहा है, तो ये यहाँ पर कहाँ कहाँ की टीम आई हुई है, कितनी टीम आई हुई है? हमारे यहाँ ग्राम दसोड़ा में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में जो टीमें आज शुरुआत में पहले दिन आई है, उनके नाम एक मिर्जापुर, धर्मपुरी, फिर ठिकरी, करुंदिया एंड रुपट्टा, बालीपुर, सेमलदा जैसी अन्य टीमें उपस्थित हैं यहाँ। इनके उपलक्ष्य में जैसे अभी 2 टीमें का मुकाबला होगा, तो इसमें कौन सी टीमें का मुकाबला करेंगे यहाँ पर? तो ये पहला मुकाबला यहाँ पे क्रिकेट में मिर्जापुर और करुंदिया का। आज जो ये क्रिकेट का शुभारंभ हो रहा है, ये किस उद्देश्य और किस उपलक्ष्य में हो रहा है? ये ग्राम दसोड़ा में हर साल मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में क्रिकेट टूर्नामेंट और कबड्डी, बैलगाड़ी रेस और दौड़ और बहुत सारी ऐसी अन्य प्रतियोगिताएं रखी जाती है, जिसमें युवाओं की भागीदारी अधिक से अधिक हो, खेल के प्रति युवाओं की भावनाएं जागृत हो, इसलिए हर वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। बिल्कुल, धन्यवाद। समापन कब होगा इसका? समापन मकर संक्रांति के दिन होगा। कबड्डी इनाम वगैरह उसी दिन है। इसमें प्रथम इनाम हमारे क्षेत्रीय विधायक पांचेलाल जी मेड़ा की ओर से 21,000 रुपये और द्वितीय इनाम 11,000 रुपये दिया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।